ऑल राइट तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आई थिंक मेटालिक मनी या पेपर मनी, कहाँ तक हम पहुंच गए थे? पेपर मनी तक पहुंच गए थे सर। बेसिक्स आपने बैकग्राउंड बताया था। बिल्कुल ठीक है। सो पेपर मनी के हवाले से गोल्ड स्मिथ की एक एग्जाम्पल आप सबको बताई होगी कि गोल्ड स्मिथ ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी। उन ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग गोल्ड जमा करवाते हैं वो सबका सब गोल्ड इकट्ठे वापस लेने नहीं आते, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो आ भी जाते हैं तो वो सारा गोल्ड वापस नहीं डिमांड करते। कुछ गोल्ड, मतलब अगर उन्होंने 100 तोला फॉर एग्जांपल जमा करवाया तो शायद उसमें से 20 तोला या 30 तोला वापस मांगेंगे, एंड रिमेनिंग विल बी केप्ट विद द गोल्ड स्मिथ। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि लोग वैल्यू डिमांड करते हैं, लोग अपना एग्जैक्ट गोल्ड डिमांड नहीं करते। जैसे आज आप बैंक में जाते हैं, 5,000 रुपये जमा करवाते हैं, तो जो आपको वापस रिक्वायर्ड है वो 5,000 रुपये है, चाहे वो 1,000 की शेप में हो, चाहे वो 500 रुपये की शेप में हो। सो यू आर एक्चुअली डिमांडिंग वैल्यू इंस्टेड ऑफ द सेम करेंसी जो आपने जमा करवाई थी। सो ये तीनों ऑब्जर्वेशन की बेस पे पेपर मनी के बाद जो हमने पढ़ना था दैट वॉज बैंक, तो वो बैंक की जो फाउंडेशन थी या जो बैंक की बेस थी वो यही थी। अगर आज की आप बैंकिंग देखें तो यही तीनों ऑब्जर्वेशन चलती हैं कि लोग पैसा हमें जमा करवाएंगे, बैंक को पैसा जमा करवाएंगे, और वो वापस सिर्फ वैल्यू डिमांड करेंगे, सेम नोट या करेंसी डिमांड नहीं करेंगे जो उन्होंने जमा करवाई थी। इसी तरह सेकेंडली, लोग सारे का सारा पैसा इकट्ठा लेने नहीं आ जाएंगे और सबके सब लोग इकट्ठे नहीं आ जाएंगे। तो इसी बेस पे बैंक जो है वो डिपॉजिट लेते हैं, और डिपॉजिट लेने के बाद एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। वो फिर बैंक डिसाइड करता है, बैंक की ट्रेजरी डिसाइड करती है, क्रेडिट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कहाँ और कितना इन्वेस्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक को एक 800 बिलियन का डिपॉजिट फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक के पास आ गया, तो वो 800 बिलियन में से कितना डिपॉजिट ऐसा होगा जो अपने पास मेंटेन करना चाहिए ताकि किसी भी टाइम अगर कोई वापस लेने आता है अपने पैसे तो हम दे सकें, नंबर वन। नंबर टू, कितना पैसा ऐसा है जिसको हम लोन के तौर पे किसी को दे दें? लोन के तौर पे देने का मतलब ये है कि जब आप किसी को पैसा देंगे तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी रखेंगे, लेकिन साथ में कमिटमेंट होगी कि एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो आपको वापस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने निशात टेक्सटाइल मिल्स को लोन दे दिया बींग अ बैंकर, तो उसके साथ कमिटमेंट होगी कि आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद पैसा वापस करेंगे। इंस्टॉलमेंट्स आती रहेंगी, क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, एनुअली हो सकती है, तो इंस्टॉलमेंट आपको मिलती रहेंगी, लेकिन पूरा लोन जिसको कहते हैं कि जीरो लोन हो जाएगा वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद होगा। सो बैंक ये एनालाइज करता है कि कितना पैसा मुझे हर वक्त अपने पास रखना है, कितना पैसा हम एज अ लोन दे सकते हैं, और कितना पैसा जिसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीआईबीज में कर सकते हैं, कोई ट्रेजरी बिल्स ले सकते हैं, मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो लोन के तरफ से तो नहीं है लेकिन ये एक डायरेक्ट बैंक खुद से इन्वेस्ट करता। तो यही तीनों, बैंक जो भी काम अब करता है उसकी ऑब्जर्वेशंस वही हैं, तरीकाकार वही है या मोडेलिटी वही है जो गोल्ड स्मिथ किया करते थे। तो यहाँ से फिर बैंकिंग का भी आगाज हुआ। बेसिकली हम पढ़ ये रहे हैं कि बार्टर सिस्टम के बाद जब कमोडिटी आई, कमोडिटी के बाद मेटालिक मनी आई, मेटालिक मनी के बाद पेपर मनी आई, और पेपर मनी के बाद वो बैंकिंग में कैसे कन्वर्ट हो गई। अब हम बात करते हैं बैंक मनी की। सो आप बैंक मनी कह लें या इसी तरह से अगली वाली शेप आएगी प्लास्टिक मनी। तो बैंक मनी क्या है? आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक किस फाउंडेशन पे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया, वही तीन ऑब्जर्वेशंस, और बैंक आपका पैसा कहीं आगे लोन पे दे देगा या इन्वेस्ट कर देगा या कुछ पोर्शन अपने पास रख लेगा, और आपको सिर्फ एक चेक बुक दे देगा कि ये चेक बुक बेसिकली एक ऑर्डर होगा बैंक को। हर चेक बुक जो एक पेज होता है उसको हम लीफ कहते हैं, तो चेक बुक का लीफ का मतलब है एक चेक। आप जो भी उस लीफ के ऊपर बैंक को इंस्ट्रक्शन देंगे, बैंक आपके पैसे के साथ वैसा ही परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि पे करें
मिस्टर ए बी सी को 10,000 रुपये और नीचे साइन कर देते हैं, तो बैंक आपकी उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ए बी सी को 10,000 रुपये कैश में पे कर देगा। चेक की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे, लेकिन आपने कुछ बेसिक सुनी होंगी। एक क्रॉस चेक भी होता है जिसके लेफ्ट कॉर्नर पे दो ट्रांसवर्स लाइंस लगी होती हैं, तिरछी सी लाइंस लगा दी जाती है, जिसका मतलब यह है कि ये कैश नहीं हो सकता बल्कि अकाउंट में जमा होगा। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है कार है कि आप चेक के साथ जो भी कुछ करेंगे उस पे कहीं ट्रांसवर्स लाइन लगाएंगे, या पे के बाद कोई नाम लिख देंगे, या बेरर एक वर्ड लिखा होता है वो काट देंगे, या डेट जो भी आप लिखना चाहें वो डेट लिख देंगे। सो जो भी आप बैंक को उस चेक के ऊपर लिख के देंगे, बैंक उसको एज अ इंस्ट्रक्शन लेगा और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म कर देगा, सब्जेक्ट टू कि बैंक ये वेरीफाई करेगा कि उसको आपने ही इशू किया है। और उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होगा कि आपके सिग्नेचर मैच करने चाहिए उन सिग्नेचर से जो आपने बैंक को प्रोवाइड किए थे। तो अगर वो साइन मैच कर जाते हैं तो बैंक ये समझेगा कि चेक आपने ही दिया है और जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसके मुताबिक परफॉर्म कर देगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ बैंक मनी। बैंक मनी जैसे जैसे बैंक्स इंप्रूव करते गए, चीजें बेहतर होती चली गई, तो बैंक ने अपने पैसे को भी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। कि चेकबुक के लिए पहले हम एक चेकबुक इशू करते हैं, उसके पेजेस कॉस्टिंग होती है सारी, फिर उसके बाद कोई कस्टमर उसको लिखता है, साइन करता है और ब्रांच में आता है, ब्रांच में स्टाफ रखना पड़ता है, ब्रांच में रश होता है, फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं कि कोई बंदा आएगा चेकबुक उसको कहीं बिठाना पड़ेगा, फिर वो लाइन में लगेगा, कैश होगा, स्टाफ लगेगा। सो इससे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई कस्टमर्स की फैसिलिटेशन के लिए और अपनी बेहतरी के लिए, बैंक ने प्लास्टिक मनी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम आज एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। नाउ प्लास्टिक मनी इज व्हाट, एक कार्ड आपको दे दिया गया, एटीएम कार्ड, और उस कार्ड के अगेंस्ट एक मशीन जिसको एटीएम हम कहते हैं, एटीएम इज बेसिकली ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं है, इट इज ऑटोमेटेड TED टेलर मशीन। सो आप कार्ड लेके जाते हैं, उस मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले वो आपसे पिन कोड मांगता है, आप पिन कोड देते हैं, पिन कोड के बाद वो आपसे पूछता है कि क्या करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करने हैं पैसे या विड्रॉ करने हैं या स्टेटमेंट चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेट से आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कैश विड्रॉ वाला बटन प्रेस करते हैं, वो आपसे पूछता है कितनी अमाउंट चाहिए, आप उस अमाउंट को लिखते हैं और वो मशीन अपने प्रोसेस के मुताबिक उतना ही चेक जितना आपने लिखा होता है वो आपको विड्रॉ करके दे देती है। मीन वाइल उतने ही पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं या विड्रॉ कर लिए जाते हैं या माइनस कर दिए जाते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी। नाउ हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मेरी आवाज क्लियर है सब तक? सर, वो आपने बताया था चेक के ऊपर जो बेरर लिखे होते हैं उस वो कट कट क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते? ओके, बेरर बेसिकली बेरर का मतलब होता है होल्डर, मतलब जिसके पास वो है, कोई स्पेसिफिक ऑनर का नाम नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, वो पेन जिसका है, जिसके पास है उसी का है, इसको हम कहते हैं बेयरर ऑफ दैट पेन। या प्राइस बॉन्ड आपने सुना होगा, आप अगर प्राइस बॉन्ड की एग्जांपल लें तो प्राइस बॉन्ड के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता कि ये किसका है, ऐसा ही है ना? जी, ओके, मैंने वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा किया, ज्यादा डिस्टोर्शन तो नहीं हो गई है मेरी आवाज? नहीं ठीक है मैंने सर, नॉर्मल है। ऑलराइट, सो बेरर का मतलब ये है कि वो जिसके पास है उसका है। जैसे प्राइस बॉन्ड, में मार्केट में जाता हूँ, मैं मार्केट में जाके एक प्राइस बॉन्ड लेता हूँ 25,000 रुपये वाला, अब वो मेरे पास है तो वो मेरा है, खुदा ना हास्ता वो गिर जाता है तो उसके ऊपर कोई ऑनरशिप नहीं लिखी हुई कि ये किसका है। जिसको भी अगले किसी को गिरा हुआ मिला, उसने उठा लिया और उसने कुरानदाजी में देखा, उसका नाम निकल आया तो ये उसका है। तो बेरर का मतलब है जो चीज जिसके पास है उसी की है। इसी तरह
चेकबुक के ऊपर लिखा होता है पे, आगे स्पेस दी होती है, आगे स्लैश बेरर लिखा होता है, जिसका मतलब ये है कि आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पे कर दो मिस्टर एबीसी को या बेरर को। तो जब बेरर आपने काटा नहीं होता, तो इसका मतलब है जो मर्जी चेक लेके आएगा बैंक उसको कैश कर देगा, यानी कि एबीसी को पे कर दे या बेरर को पे कर दे, आपने इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं कि किसी स्पेसिफिक बंदे को देनी है। सो बेरर का मतलब जिसके पास वो चेक है, बैंक के पास कोई भी इंडिविजुअल आएगा, बैंक देखेगा बेरर नहीं कटा हुआ, ओके आगे अमाउंट अमाउंट लिखी हुई है, साइन वेरीफाई हो जाते हैं, डेट ठीक लिखी हुई है, तो बैंक जो भी वो चेक लेके आएगा उसको वो कैश दे देगा। लेकिन अगर आप बेरर काट देते हैं, अब इसका मतलब है आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि पे करें आगे जो भी नाम लिखा हुआ है, लेट से बाबर लिखा हुआ है, सो पे बाबर स्लैश बेरर को काट दिया। अब इंस्ट्रक्शन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बाबर को ही पे किया जाए, बेरर को पे नहीं किया जाना चाहिए। अब बैंक वेरीफाई करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन होने जा रही है या जो भी इंडिविजुअल मेरे पास आया है वो बाबर ही होना चाहिए। तो बैंक कैसे वेरीफाई करेगा, बैंक आपसे ओरिजिनल आईडी कार्ड देखेगा और उस आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग अगर वो मैच कर देता है तो वो आपको पे करेगा। आप इसे फर्दर भी बैंक को मजीद टाइट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि बाबर के आगे अकाउंट नंबर भी लिख दें। तो इसका मतलब है बैंक कहेगा ये सिर्फ और सिर्फ उसको जाएगा या मिस्टर बाबर को जाएगा जिसका ये अकाउंट नंबर होगा। सो ये बेसिकली डिफरेंट मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप चेक के थ्रू बैंक को प्रोवाइड करते हैं कि मेरे अकाउंट में जो पैसा है उसको आप कैसे डील करें। बेरर नहीं कटा होगा, बेरर नहीं कटा होगा तो बैंक समझेगा ओके जो भी चेक लेके आएगा मैं उसको दे दूंगा। बेरर काट दिया तो अब बैंक को ये समझ जाना चाहिए कि किसी को भी नहीं दे सकता, बल्कि उसको देना है जिसका नाम लिखा होगा पे लिखने के बाद। ठीक है, ये जब टाइप्स ऑफ चेक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत लेटर स्टेज पे एक कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई अलबत्ता कुछ बातें। जी सर, हो जी गया। सर, सर ये आपने भी बताया जी, क्या? कि एटीएम जो है ये प्लास्टिक मनी ही होती है, तो सर इसके अलावा और कोई, मतलब एटीएम तो डेबिट कार्ड ही होता है ना? जी बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एटीएम, एटीएम कार्ड जो हम यूज करते हैं डेबिट कार्ड होता है हमारा, तो इसके अलावा जी। देखिए एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम कार्ड है जो प्लास्टिक मनी है। बहुत सारी प्लास्टिक मनी है जिसमें को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डेबिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड, एटीएम इज सिंपली ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सो उस मशीन में जो भी कार्ड यूज होता है हम उसको एटीएम कार्ड कह देते हैं। उसमें डेबिट कार्ड भी यूज हो सकता है, उसमें क्रेडिट कार्ड भी यूज हो सकता है। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूँ। डेबिट कार्ड का मतलब है कि आपने अपने अकाउंट में ऑलरेडी पैसे रखे हुए हैं और आप उन पैसों को अपने कार्ड के थ्रू विड्रॉ करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप अपने बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है आपको पता होगा, जब आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक के लिए आप लायबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि आपने अपना पैसा बैंक में जमा करवाया, बैंक ने वो पैसा आपको वापस देना है किसी भी टाइम पे। तो जब बैंक आपको पैसा वापस देगा उससे पहले पहले बैंक की लायबिलिटी है। तो जब आप बैंक को पैसा जमा करवाएंगे, बैंक क्या करता है, बैंक कैश को डेबिट करता है और आपके अकाउंट को या आपके टाइटल को क्रेडिट कर देता है। अब उसके अगेंस्ट बैंक जो आपको कार्ड इशू करता है दैट इज कॉल्ड डेबिट कार्ड, कि जी हमने ऑलरेडी आपको क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि आप हमारी जिम्मेदारी हैं, हमने आपको पैसा वापस करना है, ये आप डेबिट कार्ड ले जाएं और जब भी आपको अपना पैसा विड्रॉ करना है तो आप इसको एटीएम के अंदर यूज करें और जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कितने पैसे निकलने हैं, 5,000, 10,000, 15,000 जितने भी निकालना चाहते हैं, जब आप विड्रॉ करेंगे तो हम आपके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले क्रेडिट किया था, आप जिम्मेदारी थे,
अब जिम्मेदारी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, सो जब लाइबिलिटी कम होती है उसको हम डेबिट करते हैं, सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ डेबिट कार्ड। तो इन अदर वर्ड, सिंपलेस्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ, डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें आप अपना ही जमा करवाया गया पैसा विड्रॉ कर रहे हो। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। देन लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली वो है जिसमें बैंक आपको अपने पास से लिमिट देता है, मतलब पैसे आपके नहीं है, बैंक एक फैसिलिटी दे रहा है कि पैसे आपके नहीं है, फिर भी आप इस कार्ड को किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे, किसी ग्रोसरी स्टोर पे, पेट्रोल पंप पे, किसी मार्ट के ऊपर, या कहीं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, जो जितने मैंने नाम लिए इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, POS। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि जिस जगह पे आप अपना कार्ड यूज कर रहे हैं, जैसे आप हाइपर स्टार जाते हैं, हाइपर स्टार जाके आप शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग करने के बाद उसको क्रेडिट कार्ड देते हैं कि यहाँ से मेरे पैसे विड्रॉ करवा लें या अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लें, उस हाइपर स्टार को फिर हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल, POS। इसी तरह अगर आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पे फ्यूल फिल करवाते हैं और आप उसको अपना कार्ड दे देते हैं कि ये मेरा कार्ड चार्ज कर लें या इसमें से पैसे ले लें, तो उसको कहेंगे हम दैट पेट्रोल पंप POS, पॉइंट ऑफ सेल। अब क्रेडिट कार्ड का बेसिक पर्पस है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ट्रांजेक्शन करना, यानी कि आप बाइंग कर रहे हैं, आप फ्यूल करवा रहे हैं, आपने कोई ग्रोसरी कर ली है, आप ऑनलाइन करना चाह कोई बाइंग करना चाह रहे हैं। सो क्रेडिट कार्ड का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आप कैशलेस जाएं, यानी कि आप कैश आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, आप उसको कार्ड दें, बैंक आपके बिहाफ पे उस सेलर को पैसे ट्रांजेक्शन के थ्रू क्रेडिट कर देगा या उस ट्रांजेक्शन को सेटल कर देगा। आपने 2,000 रुपए का पेट्रोल फिल करवाया, आपने पेट्रोल पंप वाले को कार्ड दिया, उसने कार्ड मशीन के थ्रू उसको चार्ज किया, अब आपने पैसा नहीं दिया और ना ही आपका पैसा था, बेसिकली किसका पैसा था, वो बैंक का पैसा था, बैंक ने अपने पास से उस पेट्रोल पंप वाले को 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और अपने अकाउंट में लिख दिया कि अब आपने 2,000 रुपए बैंक को देने। सो ऐसा कार्ड जिसमें बैंक अपने पास से आपको एक फैसिलिटी दे रहा है, पैसा आपका नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर जिस कार्ड को हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। इन अदर वर्ड्स, बैंक के लिए अब आप एसेट बन जाएंगे कि बैंक ने पहले पैसे दे दिए, एक्सपेंस कर दिया, पेट्रोल वाले को दे दिए, अब आपने बैंक को पैसा देना है, सो इसलिए बैंक आपको डेबिट कर देगा और जो कार्ड देगा वो क्रेडिट कार्ड देगा, कि जैसे ही आप पैसे जमा करवाएंगे बैंक उस डेबिट क्रेडिट को एडजस्ट कर देगा और आपका पैसा कोई भी देने वाला बाकी नहीं बचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक को इसका क्या फायदा कि एक पैसे जो आपने देने थे बैंक आपके बिहाफ पे वो पैसे दे रहा है, तो इसमें कुछ फिर टेक्निकलिटीज हैं। पहली चीज तो ये है, ये यहां तक समझ आ गया कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है? अगर यहां तक नहीं समझ आया तो मुझसे अनम्यूट करें और पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, समझ आइए सर, मेरी बात सुनिए। आपने क्या बताया पॉइंट ऑफ सेल के बारे में, जिस जगह पे जाके हम वो क्रेडिट कार्ड यूज कर वो हमारा पॉइंट ऑफ सेल है ना, वो जगह हमारी पॉइंट ऑफ सेल है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पॉइंट ऑफ सेल से मतलब वो जगह जहां पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई है, उसको हम POS या पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। यानी कि कहने में तो वो हाइपर स्टार है या PSO ठीक है पेट्रोल सर। पंप है, लेकिन जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या जब हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज करने की बात करते हैं, तो वो वाली जगह हमारे लिए पॉइंट ऑफ सेल कहलाती है, विद रिस्पेक्ट टू बैंक और विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज डूइंग बिल्कुल दैट ट्रांजेक्शन। ओके जी, यहां तक समझ आ गया तो आगे चलते हैं। ओके। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड टू अ बैंक, कि बैंक अपने पास से बिना वजह किसी के पैसे दे रहा है और फिर आप उसको पैसे वापस कर रहे हैं? होता यह है कि बैंक जब भी कोई ट्रांजेक्शन आपके बिहाफ पे करता है कि आपके बिहाफ पे उसने पैसे दिए, चाहे ग्रोसरी स्टोर को, चाहे पेट्रोल पंप को, चाहे किसी हाइपर स्टार को, बैंक एक टाइम बताता है आपको कि विद इन 45 डेज आपने ये पैसा बैंक को वापस कर देना है, क्योंकि बैंक ने आपके बिहाफ पे पैसे दिए हुए हैं।
अगर तो 45 days के अंदर अंदर आपने पैसे दे दिए, तो ऐसी सूरत में बैंक आपको कोई पैसा, कोई इंटरेस्ट, कोई एक्स्ट्रा चीज चार्ज नहीं करेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक चीज फ्री हो गई, कि पैसे आपके पास नहीं थे, आपने बैंक का पैसा यूज किया, 35-40 दिन के बाद बैंक को, जब आपके पास पैसे आ गए, आपने बैंक को पैसा वापस दे दिया, बैंक ने आपसे कुछ 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो यहां तक तो बेनिफिट है कंज्यूमर को या एक कस्टमर को, और बैंक को नुकसान है क्योंकि बैंक ने अपना पैसा दिया हुआ है। लेकिन इन केस के आप ड्यू डेट, जैसे मैंने एग्जांपल दी 45 days, आप 45 days के बाद भी वो पैसा वापस नहीं कर पाते, ऐसी सूरत में फिर बैंक आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करता है दो तरीकों से। एक तो जैसे ही आपके 45 days, या इसको मैं सिंपली वर्ड में ड्यू डेट कह लेता हूँ, जैसे एक बिल की ड्यू डेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की पूरा माह, उसका बिल आ गया, उसकी ड्यू डेट आ गई। अब अगर आपने ड्यू डेट में पे कर दिया तो ठीक है, ड्यू डेट में पे ना किया तो क्या होता है, सर चार्ज लगता है, पेनल्टी लगती है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का भी सीन है कि अगर तो उस ड्यू क्रेडिट कार्ड जितना भी आपने यूज किया उसका एक बिल बना के एक सर्टन डेट के ऊपर बैंक आपको भिजवा देता है कि आपने यहां से लेके यहां तक इतनी ट्रांजेक्शन की हैं, ये आपका पैसा बनता है जो आपने बैंक को देना है, और ये फाइनल डेट है जिस तक आपने बैंक को पैसा देना है। तो आप अगर तो उस ड्यू डेट से पहले पहले बैंक को पैसा वापस कर देते हैं, तो इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, आपके लिए वो फ्री हो गया। और अगर आप उस ड्यू डेट पे पैसा वापस नहीं करते बैंक को, अब बैंक की फर्दर फिर दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक कि आपको इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद से नहीं, इंटरेस्ट उस डेट से पड़ना शुरू होता है जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की थी, यानी कि कोई 20-25-30 दिन पहले। तो बैंक को एक बहुत अच्छी खासी कमाई, इनकम होना शुरू हो जाती है इंटरेस्ट की शेप में, और वो इंटरेस्ट छोटा नहीं होता। कम से कम जो मैंने अभी क्रेडिट कार्ड्स पे देखा वो 29%, 30%, 31% इस तरह इंटरेस्ट होता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपया आपने बैंक का देना है और आप ड्यू डेट के ऊपर नहीं दे सके, तो ऐसी सूरत में आपको 30,000 रुपया सालाना के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये एक बहुत हाई परसेंटेज है। एक तो बैंक फिर यहां से कमाना शुरू कर देता है, फिर दूसरा बैंक ये कहता है कि आपके जितनी भी ड्यू थी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया आपने बैंक का देना था, बैंक कहता है कि आप कम से कम हमें 10,000 रुपया दे दें, तो बाकी जो रिमेनिंग 90,000 आपका रहता है उस पे हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप मिनिमम पेमेंट यानी कि 10,000 भी हमें नहीं देते, तो हम ना सिर्फ आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बल्कि पेनल्टी भी चार्ज करेंगे, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट 2,500, 3,000, 3,500, 4,000। सो दो चीजें एट अ टाइम आपको हिट करेंगी, एक इंटरेस्ट हिट करेगा और दूसरा एक्स्ट्रा पेनल्टी भी हिट करेगी। जैसे वो बिल, बिजली का बिल अगर आप जमा ना करवाएं, तो जो जब आप नेक्स्ट डेट पे जमा करवाते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पेनल्टी या सरचार्ज के तौर पे देनी पड़ती है। इसी तरीके से फिर क्रेडिट कार्ड की सूरत में भी, कि आपने बैंक का पैसा यूज किया, एक बैंक ने आपको एक ड्यू डेट बताई, आपने उस ड्यू डेट पे पैसा पे नहीं किया बैंक को, अब बैंक आपको पेनल्टी भी चार्ज करेगा और इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा क्योंकि बैंक का पैसा यूज हुआ है काफी देर। तो इस तरह फिर बैंक जो है वो बेनिफिट लेता है या पैसे कमाता है, या ये बैंक की एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू बैंक अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर, आपने दूसरा वाला जो बताया है वो ये बताया ना कि अगर ड्यू डेट गुजर जाती है तो जो जितना लोन लिया हुआ है वो भी पे करना है, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा वो भी पे करना है, और पेनल्टी अलग वो भी पे करनी है। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट आपने प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करनी करनी है, यानी कि जितना आपने बैंक का पैसा यूज किया वो तो हर सूरत करना है, प्लस ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट भी पे करना है, प्लस तीसरी चीज पेनल्टी आपके ऊपर ऑप्शनल है। अब बैंक आपको ना हर जब स्टेटमेंट भेजता है, या आप समझ लें कि बैंक जब भी आपको बताता है कि आपने बैंक का इतना पैसा पे करना है, उसके साथ वो लिख के देता है कि कम से कम इतना पे कर दें तो हम आपको पेनल्टी नहीं डालेंगे। ठीक है, सो मैं आपको एक बिल दिखाने की कोशिश करता हूं।
जी ये देखें, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जी सर। ओके ये देखें, दिस इज एन अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये स्टेटमेंट डेट है, यानी कि 17 तारीख को ये स्टेटमेंट जनरेट हुई है। वो जनरेट होने में क्या क्या है, मैं नीचे आ रहा हूं, तो ये देखें आप, डिफरेंट ट्रांजेक्शंस आपको नजर आ रही होंगी। सो 19 अगस्त, इसी तरह ये जितनी ट्रांजेक्शंस मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे की हैं, ये वो एक स्टेटमेंट बना के मुझे दे दी जाती है। नाउ व्हाट, मुझे कहा जाता है जी ये आपका करंट बैलेंस है, दैट इज 35,000 समथिंग, ये आपने पे करना है और मिनिमम पेमेंट आपने इतनी करनी है। और कब तक पे करनी है? 8 अक्टूबर 2020 तक। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू आप दो चीजों को समझें, एक ये है कि अगर तो आप ये कंप्लीट अमाउंट पे कर देते हैं, करंट बैलेंस जो कि 35,000 समथिंग आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। मैंने इतने पैसे बैंक के यूज किए पूरे माह, अगर मैं इसको 8 अक्टूबर तक पे कर देता हूं तो मुझे बैंक कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैं ये पे नहीं करता तो फिर मुझे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? जी सर। ओके, नेक्स्ट मिनिमम पेमेंट। अगर मैं मिनिमम पेमेंट भी नहीं करता, मतलब ये तो मैंने नहीं किया पे 35,000 जो मेरी ड्यू अमाउंट थी, और मैंने जी पूछो। सर कुछ स्टूडेंट्स को ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अगर कुछ को हो रही है और कुछ को नहीं हो रही, फिर उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो फिर किसी को भी शेयर ना होती। ठीक है सर, मतलब साहब अपने ना अपडेट कर लें। हाँ वो ये कोई और प्रॉब्लम होगा, बट ये मैं रिकॉर्डिंग भी कोशिश करूंगा इसके बाद आपसे शेयर कर लूँ। सो जिनको नहीं हो रही है उनको रिकॉर्डिंग में शो हो जाएगी। ओके, सो नाउ द मिनिमम पेमेंट। अगर मैं मिनिमम पेमेंट भी नहीं करता तो अब मुझे क्या क्या हिट होगा? एक तो वो पैसे जो 35,000 समथिंग मैंने पे करने थे, प्लस इसका इंटरेस्ट, प्लस मिनिमम पेमेंट भी नहीं की तो एक्स्ट्रा पेनल्टी भी चार्ज होगी। वो पेनल्टी बैंक टू बैंक वेरी करती है, ठीक है, बट नॉर्मली वो 3,000 4,000 इस तरह होती है। तो ये सिनेरियो होता है क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। सो अगेन मैं समराइज करके बता रहा हूँ, डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें पैसे आपके अपने हैं, आप अपने ही पैसों में से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि आपने बैंक में कभी जमा करवाए थे और अब आप अपने ही पैसों में से कुछ पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेबिट कार्ड। द कार्ड दैट यू यूज टू विड्रॉ योर ओन मनी इज कॉल्ड अ डेबिट कार्ड। एंड ऑन द अदर साइड, व्हेन द बैंक इज प्रोवाइडिंग यू अ फैसिलिटी, बैंक आपको अपने पास से कोई लिमिट दे रहा है, पैसे दे रहा है कि जाए जाके आप ट्रांजेक्शन करें और बैंक आपके बिहाफ पे कर देगा, तो ऐसी सूरत में जो कार्ड आपको दिया गया है दैट इज एक्चुअली अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का प्राइमरी पर्पस जो है वो POS की ट्रांजेक्शंस है, पैसे विड्रॉ करना क्रेडिट कार्ड का प्राइमरी पर्पस नहीं है। मतलब क्रेडिट कार्ड आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि आप ATM में जाएं और वहां जाके पैसे विड्रॉ कर लें। आप कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन प्राइमरी पर्पस उसका ये नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्या है कि आप किसी POS के ऊपर जाएं, वहां पर जाके कोई ट्रांजेक्शन करें और बैंक आपके बिहाफ पे कर देगा। तो ये उसका प्राइमरी पर्पस है, इसलिए बैंक उस ट्रांजेक्शन के मुताबिक जो जो आप जिस स्टेट पे करते हैं एक स्टेटमेंट बना के दे देता है और आपको ड्यू डेट बता देता है। अब अगर आप उस ड्यू डेट पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कुछ भी हिट नहीं होता। लेकिन अगर आप ड्यू डेट पे नहीं करते तो फिर बैंक आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, और डिपेंड करता है मिनिमम पेमेंट ना पे होने की सूरत में पेनल्टी भी चार्ज करता है। तो ये क्रेडिट कार्ड का सिनेरियो है। अगर अब आप क्रेडिट कार्ड को POS की बजाय स्ट्रेट अवे मशीन पे ले जाते हैं और वहां से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर बैंक आपको स्टेटमेंट
भेज के ड्यू डेट का वेट नहीं करता, बल्कि जिस दिन आप पैसे विड्रॉ करते हैं उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है कि क्रेडिट कार्ड का प्राइमरी पर्पस पॉइंट ऑफ सेल है कि आप जाएं बाइंग करें खरीदें जो भी आपने करना है और उसकी आपके बिहाफ पे पेमेंट बैंक कर देगा। ऐसी सूरत में बैंक आपको 45 डेज देता है कि ठीक है आप पैसे आज यूज कर लें और 45 डेज के बाद आपको पे कर देने हैं बैंक को। लेकिन अगर आप उसे कैश निकलवा लेंगे एटीएम मशीन में, एटीएम में जाके, तो ऐसी सूरत में बैंक आपको 45 डेज नहीं देगा। बैंक उसी दिन से जिस दिन से आपने कैश विड्रॉ करवाया है उसी दिन से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा, जो नॉर्मली 30%, 35%, 40% इस तरह बैंक टू बैंक वेरी करता है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी पूछे बेटा, एहतशाम आपने हैंड रेस किया। सर, जो हमारी ड्यू डेट है विद इन 30 डेज है, अगर हम 30 डेज से पहले यानी प्लंटी डलने से पहले पहले हाफ अमाउंट अगर कर देते हैं मिनिमम से ज़्यादा यानी कि, तो ठीक जो है, हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा वो फुल अमाउंट पे होगा जो ये रिमेनिंग बच गई है उस पे होगा? जो रिमेनिंग होगी, होता यह है कि आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस एक ही दिन में नहीं की होती। जैसे फॉर जी एग्जांपल आपने एक ट्रांजेक्शन किया फर्स्ट को, एक किया थर्ड को, एक होती है फिफ्थ को, एक होती है सेवन्थ को, तो अब जी आपने जितना पैसा पे कर दिया है तो जो शुरू वाली ट्रांजेक्शन हैं वो एडजस्ट होती जाएंगी। ठीक है, मतलब जी पहली सर डेट की जो सबसे पुरानी ट्रांजेक्शन है वो उस अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आपका पैसा खत्म होता जाएगा वो ट्रांजेक्शन एक सर्टन पॉइंट पे आके जितना आपने पे किया था उतनों से पुरानी वाली ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं जिस जिस डेट पे आपने किए हैं उस डेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा। सर, देखिए ना, जैसे मैंने एक अगस्त में की थी, मैंने अभी यानी कि उसकी पेमेंट पेंडिंग है और मैंने यानी कि अगले मंथ भी कर ली है और नवंबर में भी कर ली है, तो जो ठीक है, मैं ये लेटेस्ट वाली है ना उनको चार्ज जो है ना पैसे दे जा रहा हूँ, लेकिन पिछली जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा या जो लमसम अमाउंट बनती जाएगी उस सारे पे इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा? नहीं ये ट्रांजेक्शन वाइज होता है। ओके ठहरे, मैं आपको इसको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं ताकि आपको समझ आ सके। जी ये देखें स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको। जी सर आ रही है। ठीक है, अब ये देखें मुझे टोटल जो पेमेंट करनी है दैट इज 35,000। अब मैं अपनी ट्रांजेक्शंस में जाता हूं। दीज आर माई ट्रांजेक्शन डिटेल्स। मैंने एक ट्रांजेक्शन की 19 तारीख को, इसी तरह ट्रांजेक्शन की 20 तारीख को, फिर ट्रांजेक्शन की इसी तरह तरतीब पे चलते जाते हैं 24 अगस्त को। अब एक है 2,200 कुछ की, एक है 29,000 समथिंग, एक है 1,400। अब लेट से कि टोटल 35 जो मैंने पे करना था उसमें से मैंने सिर्फ 20,000 रुपया पे किया। यही आपका क्वेश्चन था ना कि मैंने हाफ कुछ पेमेंट कर दी उसकी। ठीक जी सर यही था। है, सो 20,000 अगर मैंने पे किया तो अब 20,000 मेरा एडजस्ट होना शुरू होगा पहले डेट के हिसाब से स्टेटमेंट की, यानी कि 19 अगस्त से। सो 20,000 में से 2,235 एडजस्ट हो गया, पीछे रह गया कुछ 17,000 कुछ। इसी तरह फिर 20 अगस्त में 2,090 एडजस्ट हो गया, पीछे रह गया 15,000 कुछ। सो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे आके 28 अगस्त पे आके मेरा वो 20,000 पूरा हो जाता जो मैंने पे किया है, तो ये जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगी 28 अगस्त से, यहां से मुझे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। पिछली तमाम की तमाम जो ट्रांजेक्शन थी उसके पैसे मैंने बैंक को दे दिए टाइम पे, लेकिन जो अगली ट्रांजेक्शन है, अब ये जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी कि 28 अगस्त को मेरी एक ट्रांजेक्शन है 5,517 रुपए की, यहां से मुझे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा। और ऐसा नहीं है कि वो मुझे 8 अक्टूबर के बाद चार्ज होगा क्योंकि मेरी ड्यू डेट 8 अक्टूबर थी, नहीं, ऐसा तब था अगर मैं पूरी पेमेंट कर देता। क्योंकि मैंने आधी पेमेंट की है तो आधी पेमेंट के अगेंस्ट मुझे इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से मुझे 28 अगस्त से, 28 अगस्त की डेट से इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। वो कैलकुलेट होगा और अगले माह की स्टेटमेंट में मुझे बता दिया जाएगा कि इतना आपने अब इंटरेस्ट भी पे करना। जी आप पूछें क्या क्वेश्चन है आगे जो समझ नहीं क्लियर है आया। सर। ऑल राइट।
सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी एज वेल. फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें फायदे भी हैं, इसमें नुकसान भी हैं. फायदा ये है कि आपको डिपार्टमेंट बैंक में नहीं जाना पड़ता, लाइनों में नहीं लगना पड़ता, चेक में नहीं जाना पड़ता, आप किसी और टाइम की कोई भी कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस टाइम पे चाहें पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम के थ्रू. बट नुकसान ये है कि अगर आपका एटीएम कार्ड गुम गया और उसका पिन किसी को पता है या वो किसी पीओएस के ऊपर चार्ज हो गया, यूज हो गया, तो ऐसी सूरत में गलती आपकी है, बैंक उसका कुछ नहीं कर सकता. क्योंकि अगर तो बैंक में आप आते हैं और बैंक में कोई एरर या फ्रॉड होता है तो फिर बैंकर जिम्मेदार हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वही हो, आपकी भी गलती हो सकती है, लेकिन किसी हवाले से हो सकता है. बट कार्ड के हवाले से वो सोलली आपके पास है, वो आपके वॉलेट में मौजूद है या आपकी कस्टडी में मौजूद है, उस पर कोई भी गलत ट्रांजेक्शन हो जाती है अनटिल के बैंक की कोई गलती निकले तो उसमें आपका कसूर है, नंबर वन. फिर उसके अलावा इसके कोई एनुअल चार्जेस भी हो सकते हैं. जैसे एटीएम कार्ड आप बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है तो उस फैसिलिटी के अगेंस्ट नॉर्मली 1000, 1200, 1500, 1700 मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ चार्ज करते हैं. सो एटीएम कार्ड के एनुअल चार्जेस भी होते हैं, सो आपको वो भी पे करने पड़ते हैं टाइम्स. उसके अलावा क्योंकि एक खतरा है कि कार्ड मिस यूज हो सकता है, यानी कि आपसे कार्ड गुम गया, गिर गया, या किसी ने चोरी कर लिया और उसको आपकी इस सूरत में मिसयूज हो सकता है, तो बैंक एक सर्टन लिमिट या रिस्ट्रिक्शन देता है कि एक दिन में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1,00,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते. सो बैंक में जाके तो आप चेक चाहे 10 लाख का है, 10 मिलियन का निकलवा लें, लेकिन एटीएम की रिस्ट्रिक्शन है कि एक दिन में आप एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, या इस किस्म की कोई भी चीज. ठीक है, सो जहां पे फायदे हैं वहां पे उसके रिस्क मौजूद हैं, और रिस्क को कवर करने के लिए फिर कुछ हमें नुकसान भी बेयर करने पड़ते हैं. उसको नुकसान कह लें या उसको आप एक एक्स्ट्रा विजिलेंस कह लें, बट समहाउ आपको कुछ मुश्किल आ सकती है. सो दिस काइंड ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंक मनी, एंड देन बैंक मनी के आगे प्लास्टिक मनी. ओके, बैंक मनी में मैंने आपको एक चेक बताया, एटीएम डेबिट कार्ड बताया. जी बेटा पूछे क्वेश्चन. अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि हम जब ये क्रेडिट कार्ड निकलवा लेते हैं तो अगर हम कुछ यूज नहीं भी करते फिर भी हमारे ऊपर चार्जेस पड़ते हैं, यानी 3 महीने बाद, तो ये हमारा इंटरेस्ट में आता है कि ये बैंक चार्जेस लगाएंगे, क्या लगेगा ये? नहीं, क्रेडिट कार्ड पे मुख्तलिफ बैंक्स की मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं. कुछ बैंक ऐसे हैं जो कोई भी चार्जेस चार्ज नहीं करते, जैसे बैंक अल्फला की बात करूं, बैंक अल्फला के कोई एनुअल चार्जेस नहीं है. तो आपने अगर एक कार्ड ले लिया और उस कार्ड के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं की तो आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे. लेकिन सर, नंबर वन, कुछ बैंक है, जी जी सर, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके एनुअल चार्जेस भी हैं. तो ऐसी सूरत में अगर आप कार्ड यूज नहीं भी करते तो वो 1 साल के बाद आपको चार्जेस हिट होंगे. अब वो चार्जेस आपने पे करने हैं. अगर आप वो चार्जेस पे नहीं करते या आपको पता ही नहीं चला या आपके जहन में ही नहीं था कि चार्जेस भी हो सकते हैं, आप जहन में यही बिठाया है कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की तो मुझे कोई चार्जेस नहीं होंगे, ऐसी सूरत में फिर वो चार्जेस के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, फिर पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है, और वो होते होते बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है. इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि वो, आपने सुना होगा कि मैंने तो कभी यूज नहीं किया लेकिन बैंक ने मुझे इतने पैसे डाल दिए, तो वो यही होता है कि एनुअल चार्जेस हिट हो. जी ठीक. अच्छा सर, एक और बात, शेप में मल्टीपल, सर एक बात जी पूछे सर, जिस तरह अब ये आपने देखा होगा दराज वाले इंस्टॉलमेंट पर काफी चीजें दे रहे हैं, इन बैंक के साथ लिंक है, अल्फला, एमसीबी, यूबीएल वगैरह, तो सर इसमें इन्होंने ना सबसे पहले ये शो किया होता है कि आपको जीरो इंटरेस्ट है, यानी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जी इंस्टॉलमेंट पर मंगवा लें. जब हम इंस्टॉलमेंट पर मंगवाते हैं तो अल्फला और सिल्क बैंक इन्होंने तो वाजिया लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन जो एमसीबी है, यूबीएल है, ये कह रहे हैं हम नहीं लेंगे इंटरेस्ट. तो जब प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं सारा और ऑर्डर करने लगते हैं तो आगे से वो कहता है कि, मतलब पहले लिखा था जीरो इंटरेस्ट, लेकिन जब ऑर्डर करते हैं आगे लिखा था आर्ट एंड योर एमसीबी बैंक 2.5%. तो सर ये क्या चीज है?
एक चीज वो है कि आपको जब वो बैंक लोन दे रहा है या फैसिलिटी दे रहा है तो उस टाइम पे कोई पेमेंट चार्ज कर रहा है कि नहीं, उसको हम प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। जी सर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल लेना है और मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे इतने पेमेंट कर दे, फिर ये जो भी प्रोसेस करता है उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है। सो वो जिसकी 2.5% या जो भी आप बात कर रहे हैं, दैट मे बी अ प्रोसेसिंग फी, वो इंटरेस्ट जी नहीं है, वो प्रोसेसिंग फी है। नंबर वन। जी बैंक आपको कहता है कि 0% इंटरेस्ट रेट, उसका मतलब ये है कि आप बैंक के पैसे यूज करेंगे, जैसे 45,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल है कोई आप मोबाइल फोन लेना चाह रहे हैं, बैंक आपको 45,000 आपके बिहाफ पे पे कर देता है सैमसंग को या जो भी ब्रांड को। अब उस 45,000 के ऊपर कोई पेनल्टी आपसे बैंक या कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट भी नहीं देंगे तो बैंक आपसे इंटरेस्ट फिर भी नहीं लेगा। ये वो इंटरेस्ट है जो अप फ्रंट 45,000 आपने यूज किया, बैंक ने आपसे उस पर कुछ नहीं लिया। लेकिन जी अगर अब आपकी अगले माह पेमेंट ड्यू है 5,000 रुपए की और आपने जी वो 5,000 की पेमेंट जो ड्यू थी वो पे नहीं की, तो अब आपसे बैंक इंटरेस्ट लेगा। जी ठीक ये उसमें डिफरेंस है। और तीसरी बात यह है कि जो बैंक कहता है 0% इंटरेस्ट, वो वाकई शुरू में तो 0% नहीं लेता, लेकिन आप देखें कि जो चीज 40,000 रुपए की मार्केट में है, बैंक उसको 45,000 रुपए की बेचता है और कहता है कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सो वो एक सस्ती चीज को महंगा कर दिया और इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इवेंचुअली बात एक ही आ गई। जी सर, ठीक ठीक है जी है सर, जी थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ओके, सो बैंक मनी में एक मैंने आपको चेक बता दिया, प्लास्टिक मनी की थोड़ी सी बात हो गई। फिर हम बात करते हैं जी, एक पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भी होता है, इसको बैंकर्स चेक भी कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज दैट? फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन मिस्टर ए हु इज बायर और हु इज सेलर, चलें आसानी करते हैं, या आप ही की क्लास में से किसी का नाम लेते हैं ताकि आसानी हो। बाबर इज अ पर्सन हु इज बायर ऑफ समथिंग, एक लैपटॉप है 40,000 रुपए का या एक घर है चले 40 लाख रुपए का, मिस्टर बाबर ने वो खरीदना है। और सुहेब इज अ पर्सन हु इज सेलर। नाउ द पेमेंट विल गो फ्रॉम बाबर टू सुहेब, क्योंकि बाबर ने खरीदना है तो बाबर के नाम पे घर होगा और सेलर जो है वो सुहेब है, सो सेलर को पैसे मिलने होंगे। अब एक ऑप्शन तो ये है कि ये ट्रांजैक्शन हो कैश के ऊपर, यानी कि सारे का सारा पैसा बाबर सुहेब को कैश की सूरत में दे दे, तो फिर तो बैंक यूज ही नहीं होगा, फिर तो बैंक का मामला ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें रिस्क कितना है, कि रोबरी के भी चांसेस हैं, फेक नोट्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे मामला हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये डिसाइड करते हैं दैट वी विल डू अ ट्रांजेक्शन विद समथिंग इन्वॉल्व एज अ बैंकर, कि हम चाहे वो चेक के थ्रू कर लेते हैं या बैंक के थ्रू कर लेते हैं। अब बैंक के थ्रू करने का मतलब ये है कि मिस्टर बाबर एक चेक लिख के दे देंगे 40 लाख रुपए का सुहेब के नाम पे, और उसके ऊपर डेट और साइन कर देंगे। अब अगर तो वो ट्रांजेक्शन हो जाती है तो सुहेब अपने बैंक में जाएंगे, उस चेक को जमा करवाएंगे और अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवा लेंगे। यहां तक बात समझ आई सबको? नहीं आई तो मैं रिपीट करता हूं। सर एक बार रिपीट कर दें। ओके, ठहरे, मैं इसको और आसानी के लिए वर्ड की फाइल खोल लेता हूं ताकि आपको ज्यादा हो जाए। जी, एक वर्ड की फाइल नजर आ रही है आपको? जी सर, ओके, मिस्टर बाबर इज बायर एंड सुहेब इज लेट से सेलर। ट्रांजैक्शन इज ऑफ सेलिंग अ प्लॉट वर्थ ₹40,00,000।
अब इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक आप मुझे बताएं कि पेमेंट बाबर से सुहेब को जानी है, ऐसा ही है? कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट रहे ताकि वो मुझे रिस्पांस मिलता रहे कि मेरी बातें समझ आ रही है। पेमेंट बाबर से सुहेब को जानी है, ऐसा ही है? यस ठीक है। नाउ थिंक इफ इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो बहुत मुश्किल है कि 40 लाख रुपए को रखा जाए, फिर उसको गिना जाए, फिर उसको हैंड ओवर किया जाए, रॉबरी का, थेफ्ट का, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो दे हैव डिसाइडेड कि हम ये ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करते हैं। अब जब बैंक के थ्रू होगा तो बाबर सुहेब को चेक देगा, यही है बात, इसी तरह होना चाहिए यस यस सर जी सर। बाबर ने सुहेब को चेक दिया, उस चेक में लिख दिया कि 40 लाख रुपीज दे दिए जाएं, डेट भी डाल दी, साइन भी कर दिए, तो क्या सुहेब को ये खतरा नहीं है कि अगर बाबर के अकाउंट, चेक तो मिल गया लेकिन अगर बाबर के अकाउंट में इतने पैसे ही ना हुए तो ऐसी सूरत में चेक बाउंस हो जाएगा? जी सर ऐसा ही होता है। सो जब चेक बाउंस हो जाएगा तो सुहेब तो प्लॉट जो है ट्रांसफर कर चुका होगा बाबर के नाम पे, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? ऐसी सूरत में देर इज अ रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, तो फिर ये बैंक मनी का मोड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यानी कि चेक एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक भी एक ऑप्शन है। जो मैं लिख रहा हूं, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक भी कहते हैं इसको, तो इन ऑप्शन पे चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अ बैंकर्स चेक या चेक एंड द पे ऑर्डर? पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट को बैंकर्स चेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैंक देता है अपना चेक। अगर हम पहले बाइंग सेलिंग के ट्रांजैक्शन में देखें तो यहाँ पे बाबर ने अपना चेक दिया था सुहेब को, जिसमें डाउट ये था कि अगर बाबर के अकाउंट में पैसे ना हुए तो सुहेब को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम पे ऑर्डर की बात करते हैं तो पे ऑर्डर में बैंक अपना चेक देता है, यानी कि बैंक ने खुद अपने नाम का चेक दिया और बैंक डिफॉल्ट नॉर्मली नहीं करता, तो बैंक अपने बिहाफ पे पैसे क्यों देगा? ये अब हम ट्रांजेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, मैं स्क्रीन को एंड कर रहा हूं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ऑलराइट जी, अब क्या ट्रांजैक्शन है कि बाबर ने पेमेंट करनी है सुहेब को थ्रू पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक, तो ऐसी सूरत में मिस्टर बाबर जो है वो बैंक के पास जाते हैं, अब उस बैंक के पास जिसमें अपना अकाउंट मौजूद है, तो उस बैंक को जाके अपना चेक देते हैं कि ये मेरे अकाउंट में से 40 लाख रुपए विड्रॉ कर लें, और अपना चेक बना के सुहेब को दे दें ताकि सुहेब को ये तसल्ली हो जाए कि ये चेक पैसे ना होने की वजह से कम अज कम वापस नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में बैंक क्या करता है, बैंक एक एप्लीकेशन लिखवाता है, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है पे ऑर्डर का या डिमांड ड्राफ्ट का या बैंकर्स चेक का, उसको फिल करवा के बाबर का चेक लिया। अब सुहेब को तो नहीं पता था कि बाबर के अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, लेकिन बैंक को पता है क्योंकि उसी बैंक में तो उसका अकाउंट है। तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, उस चेक की बेस के ऊपर बाबर का अकाउंट डेबिट करेगा, यानी कि बाबर के अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करेगा और अपने अकाउंट में जमा कर लेगा। फिर उसके बाद अपने अकाउंट से एक चेक बना के, जिसको हम पे ऑर्डर या बैंकर चेक कह रहे हैं, वो चेक सुहेब के नाम पे बनाया जाएगा, और अब अगर वो वाला पे ऑर्डर या बैंकर चेक सुहेब को दिया जाता है तो सुहेब को क्या चीज कंफर्म है कि बाबर के अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, वो बैंक के पास आ चुके हैं, और बैंक अब अपना चेक मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पैसे ना होने की वजह से जो बाउंस होने का एक खतरा था, डर था, अब वो नहीं है क्योंकि बाबर के अकाउंट से ऑलरेडी पैसे विड्रॉ कर चुका है बैंक। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है या जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक कहते हैं। जी, जो समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ लें।
जी सब समझ आ गया, मुझे रिस्पॉन्ड कर दें ताकि समझ आ जाए। जी यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह यस सर। सर। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट, और अगर आपको समझ आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर आगे चलते हैं। गुड, हो गया। सो बेसिकली क्या है, एक एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बैंक मनी कह रहे हैं, यानी कि एक था वो पेपर मनी जो हम नोटों की शक्ल में लेते थे, अब चेक कह लें आप उसको, वो भी एक बैंक मनी है, आप उसको पे ऑर्डर कह लें, डिमांड ड्राफ्ट कह लें, बैंकर्स चेक कह लें, ये भी एक बैंक मनी है। और इसी तरह जब हम बैंक मनी से आगे चलते हैं तो फिर प्लास्टिक मनी, जैसे एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बात की मैंने, तो जैसे जैसे चीजें इंप्रूव हो रही हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे पैसों की शेप भी बदल जा रही है। सो प्लास्टिक मनी के बाद हमने देखा देयर इज अ बायोमेट्रिक मनी, अब किसी ना किसी तरीके से ये बैंक के साथ ही इन्वॉल्व है, इसको बैंक की फर्दर सब टाइप में ही हम लेके चलते हैं। कुछ अरसा पहले तमाम गवर्नमेंट ने बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दी कि नादरा के साथ बैंक्स को लिंक किया और कहा कि कार्ड को भी खत्म करें, बिकॉज ये गुम जाने का खतरा है या गिर जाने का खतरा है या स्टील हो जाता है, तो ऐसी सूरत में बायोमेट्रिक फैसिलिटी भी दे। नाउ एवरीबडी नोज दैट अवर बायोमेट्रिक और द फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो बैंक को नादरा के साथ लिंक करके तमाम एटीएम मशीन्स को अपडेट करके अब बायोमेट्रिक का ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी भी एटीएम पे जाते हैं, वहां पे आपको कार्ड भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट इनकॉर्पोरेट योर सीएनआईसी, आप नंबर उसमें लिखते हैं, उस नंबर के थ्रू वो नादरा और बैंक को कनेक्ट कर देता है, देन यू प्लेस योर थंब ओवर हियर, थंब से वो आपके बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स लेता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट को एक्सेस कर देता है। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन्स और न्यू वे ऑफ डूइंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। फिर इसी तरह चीज यहाँ से भी आगे बढ़ती है, पाकिस्तान में तो है ये बहुत कॉमन अभी नहीं है, बट अब्रॉड वी हैव रेटिना स्कैनिंग, हमारे जो आंख की रेटिना जो होता है वो भी सबका एक दूसरे से डिफरेंट होता है, सो बायोमेट्रिक में भी जो मसले मसाइल थे वो रेटिना स्कैनिंग पे आ गए और कन्वीनियंस दे दी। सो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। फिर बैंकिंग की जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग भी एक नई प्रोडक्ट है। नाउ व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग, कि आपको पहले सबसे पहले चेक की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रांच में जाना पड़ता था, चेक के लिए लाइन में लगना पड़ता था, उसके लिए आसानी पैदा की तो हो गया एटीएम के पास, अब एटीएम भी तो आपको कभी ना कभी जाना पड़ता है, उसमें भी ज्यादा आसानी पैदा की तो ऑनलाइन बैंकिंग आ गई। नाउ व्हाट डू यू हैव, यू हैव अ सिंपल यूजर नेम एंड देन यू हैव अ पासवर्ड, एक आपको लॉग इन पासवर्ड दे दिया जाता है, आप वेबसाइट पे जाते हैं जो भी उनकी जिस भी बैंक की आप बात कर रहे हैं उस बैंक की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके यूजर नेम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, एंड यू जस्ट कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। अब वही ट्रांजेक्शन्स, जैसे आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने थे, आपने पे ऑर्डर बनाने की रिक्वेस्ट करनी थी, चेक बुक की रिक्वेस्ट करनी थी, आपने अपनी स्टेटमेंट देखनी है कौन सी ट्रांजेक्शन किस डेट पे हुई है, ये सारी चीजें अब आपको ना बैंक जाने की जरूरत है ना एटीएम जाने की जरूरत है, यू एक्चुअली डू इट ऑन योर ऑन एंड इन होम जस्ट विद द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। तो आप यूजर नेम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, वो आपको आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देता है और उस कनेक्शन के थ्रू आपकी सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो परफॉर्म हो सकती हैं, आप पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ द बेनिफिट इज दैट विदाउट गोइंग समवेयर एल्स यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन, बट द डिसएडवांटेज इज कि अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी को पता चल गया है तो वो ट्रांजेक्शन जो आपने सोची थी करने की वो किसी और ने कर ली होंगी और वो उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा। सो ये सारी चीजें इस तरह इस चीज को हम कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। अब ऑनलाइन बैंकिंग में भी कुछ इश्यूज थे, जैसे मैंने आपको रिस्क की बात बताई कि अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड किसी और को पता चल गया तो कोई और भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए इसमें भी लिमिट लगाई गई है। जैसे एटीएम में लिमिट थी कि एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा कैश नहीं निकल सकता या एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। सो ये किसी हद तक इसका डिसएडवांटेज कह लें या रिस्क की वजह से लिमिटेशन कह लें। देन इसके बाद मोबाइल बैंकिंग की बात की मैंने आपको, सो वो जो पहले आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता था, बहुत सारे बैंक्स ने मोबाइल बैंकिंग उसको कन्वीनियंट कर दिया कि
बजाय आपके एक वेबसाइट पे जाए और वेबसाइट पे जाके यूजर नेम पासवर्ड एंटर करें, एक स्पेसिफिक मोबाइल एंड्रॉयड या प्ले स्टोर उसकी ऐप एप्पल की मौजूद है आपके पास, आप उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड करते हैं और वही ट्रांजेक्शन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर लेते हैं. सो नाउ दिस इज अ न्यू मोड ऑफ डूइंग अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन. सो मैं स्टार्ट से जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको. सो वी हैड स्टार्टेड विद द बार्टर सिस्टम, देन कमोडिटी मनी, देन मेटालिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ द मनी हैज एवॉल्व फ्रॉम अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हमने बार्टर सिस्टम कहा, वहां से लेके आज हमारे पास बैंक मनी या ऑनलाइन सिस्टम्स मौजूद हैं. और इससे भी जो नेक्स्ट करेंसी की हम बात करते हैं, दैट इज द डिजिटल करेंसी, जिसको आपने सुना होगा बिटकॉइन के नाम से. इसी किस्म की और भी कुछ करेंसीज हैं कि अब पैसा आपका है ही डिजिटल, कोई उसकी फिजिकल शेप नहीं है, किसी बैंक में जाके उसने जमा नहीं होना, बल्कि इट्स अ डिजिटल करेंसी. और वो डिजिटल करेंसी ए पर्सन से बी पर्सन को ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है. सो यहाँ तक आज का हम लेक्चर जो है कन्फाइन करते हैं, या यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. पैसों का हमारे कोर्स के दो हिस्से थे, मनी एंड बैंकिंग. सो मनी को कैसे है, हिस्ट्री क्या है, क्या क्या उसकी शेप्स थी या क्या क्या उसकी टाइप्स थी या कैसे इवॉल्व हुई, ये चीज जो है वो आज वाइंड अप हो गई है. नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बैंकिंग को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे. सो इसके जितने लेक्चर्स हम पढ़ चुके उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक दफा देख लीजिएगा बुक. ऑलरेडी आपको पता है जो चीज नहीं समझ आएगी नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करेंगे, और अगर समझ आ जाएगी तो आ गई होगी, तो फिर नेक्स्ट जो है वो बैंकिंग स्टार्ट करेंगे. जी बेटा पूछे क्वेश्चन अमन. सर ये ना पिछले कुछ लेक्चर से जब बिल्कुल स्टार्ट में ना एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी में अप्रोचेस वाला, वो हम छोड़ देना जी बिल्कुल, जिसमें M1 M2 की बात कर रही हैं आप, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच और इस तरह की थी हैं कुछ हैं अप्रोचेस. जी वो छोड़ दें. मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर कर लेता हूँ. वो कोर्स आउटलाइन की बेस पे हमने चलना है और वही टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करना है, तो उसमें ये वाला टॉपिक नहीं होगा जो आप पूछ रहे हैं, उसको आप ओके मुझे नहीं करना. एक सेकंड, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ आपकी कोर्स आउटलाइन. जी ये देखें स्क्रीन आपको नजर आ रही है. यस सर आ रही है. ये देखें जी, इसमें अगर हम बात करें व्हाट इज मॉनेटरी सिस्टम कंपोनेंट्स, रोल ऑफ मनी, मनी एंड इट्स फंक्शन, यहां से हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट लेना. जो पैसों से रिलेटेड चीजें हैं ये पहले तीन टॉपिक्स हैं, इसके बाद ऑब्वियसली फिर हम बैंकिंग में आ जाएंगे. अब इसमें आप देखें जो जो कुछ आपने पढ़ लिया है, डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम में स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, ये आपने पढ़ लिए. ये अभी रहता है मेथड ऑफ नोट इशुएंस, गोल्ड स्मिथ आपने पढ़ लिया, और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की कुछ हिंट्स जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा कुछ पढ़ लिया. सो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज कवर करनी है, मोड ऑफ नोट इशुएंस. उसके बाद फिर मनी एंड इट्स फंक्शन, ये चीजें अब आप खुद ड्राइव करेंगे. यानी कि अगर मैं पैसों की बात करूं या मनी है उसके फंक्शंस की बात करूं, तो बार्टर सिस्टम, कमोडिटी, मेटालिक, पेपर, ये जितना कुछ भी पढ़ा, इससे हम अब एक्सट्रैक्ट करेंगे कि फिर हम पैसा कहते किसको है. पैसा सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, बेसिकली हम उस चीज को पैसा कहते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैसे वाली. मतलब अगर पैसों की बात करें तो बार्टर सिस्टम एक चीज, कोई गुड और सर्विसेज वही पैसा था, मेटालिक मनी में कोई सिक्का पैसा था, पेपर मनी में कोई कागज पैसा था, बैंकिंग मनी में एक चेक की सूरत में पैसा है. सो पैसा इटसेल्फ कुछ नहीं है, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज को पैसा बना देती है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली चार हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू है, उसके अलावा यूनिट ऑफ वैल्यू है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है. सो अब हम इस तमाम डिस्कशन से जो हमने एवॉल्वमेंट ऑफ मनी पढ़ी कि पैसा कैसे, किस शेप से कहाँ पे चला गया, उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि पैसा है क्या. तो
सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही सारा आपके नोट इश्यूएंस के मेथड्स क्या है, या पैसा हम कहते हैं किसको है, या उसके फंक्शंस क्या है, या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो किसी भी चीज को पैसा बना देते हैं, सो उसको हम अब फिर पैसे को वाइंड अप कर लेंगे। जो चीज आप पूछ रही हैं अप्रोचेस वगैरह वाला, वो आपकी स्कीम ऑफ स्टडी में शामिल नहीं है, उसको छोड़ दें। जी क्लियर हो गया? यस सर। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। मार्क योर अटेंडेंस इन योर गूगल क्लासरूम, वो मैंने आपको बता दिया है, येस और नो का ऑप्शन मौजूद होगा। सो इफ यू आर प्रेजेंट, ऑब्वियसली यू नीड टू टिक येस एंड सबमिट, और अगर कोई एब्सेंट है तो वो ऑटोमेटिकली नो में कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है अब आपका वो नेक्स्ट थर्सडे को है, और तब तक टाइम टेबल भी एक न्यू आ गया होगा, सो उस नए टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो क्लासेस खोलेंगे। ठीक है जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।